हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें अगली वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट, पिछली वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है, अगली का नहीं, पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिए थे, एक्सरसाइज 6.2 सीक्वेंस एंड सीरीज अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने इसके दो वीडियो बना दिए हैं जिसमें 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछले वाले वीडियो का मैं लिंक आपको ऊपर बटन में दे दूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 से 26 तक था, और उससे आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 27th क्वेश्चन में तीन पार्ट आप दे रखे हैं, तीनों में जो कंसेप्ट है वो सेम ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर इन तीनों के अंदर आपको क्या दे रखा है कि आपको तीन नंबर दे रखे हैं और उनका सम दे रखा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब तीन नंबर्स दे रखे हैं उनका सम दे रखा हो, तो ए पी आप यूजुअल तरीके से मत लो, मतलब पहली टर्म को ए से स्टार्ट मत करो, पहली टर्म स्टार्ट करो ए माइनस डी से। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, पहली टर्म है ए माइनस डी, दूसरी है ए और तीसरी है ए प्लस डी, ये तीन टर्म है हमारी ए पी की। अब इसमें से ये कहता है कि भाई सम इनका 21 है, तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो ये 21 हो गया। यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 21, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 7। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि आपको डायरेक्टली a की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाती है। आगे कहता है कि प्रोडक्ट इसका 315 है, अगर हम तीनों का प्रोडक्ट करें a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इसका प्रोडक्ट है 315, तो आपको a की जगह पुट करना है 7, यहाँ भी 7, यहाँ 7 प्लस डी। तो यहाँ पर देखो, ये जो 7 मल्टीप्लाई में ना, इसको आप उधर इधर उठा के डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ रह गया 7 माइनस डी 7 प्लस डी, और इधर आ गया आपके पास 315 अपॉन में 7। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर, और इसको काटने के बाद आ जाएगा 45। अब आप डी स्क्वायर को इधर ले जाओ, 45 को इधर लाओ, तो डी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है हमारे पास, डी स्क्वायर आ जाएगा 4, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अगर D की वैल्यू हमारे पास प्लस 2 है और A की वैल्यू 7 है, तो उससे सीक्वेंस क्या बनेगा, इफ़ A इक्वल्स टू 7 एंड D इक्वल्स टू 2। D की दोनों वैल्यू लेनी है, छोड़नी नहीं है, माइनस में आ गया तो छोड़ दो, नहीं, क्योंकि D नेगेटिव भी हो सकता है और D पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दोनों वैल्यूज लेनी है। तो A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 2 है, इसको आप सीक्वेंस में डालो। सीक्वेंस क्या था हमारा, A माइनस D मतलब 7 माइनस 2, फिर दूसरी वैल्यू क्या थी, A यानी 7, तीसरी क्या थी, a प्लस डी, तो 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, इधर से 7 आ जाएगा, इधर से 9 आ जाएगा। जब आप d को माइनस में लोगे तो यही सीक्वेंस आएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, पहले आपके पास 9 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 5 आएगा। हर क्वेश्चन में इसमें ऐसे होगा, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जो सीक्वेंस यहाँ बनेगा उसका उल्टा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट एक बार थर्ड पार्ट और मैं आपको बता देता हूँ, सेकेंड पार्ट आपको ट्राई करेंगे। तो थर्ड पार्ट के अंदर भी आपको जो सीक्वेंस है वो लेना तो उसी तरीके से ही है, सम ऑफ थ्री नंबर इन द ए पी इज 30, तो वही आपने तीन टर्म लो, ए माइनस डी, फिर ए, फिर ए प्लस डी, इनका सम 30 दिया हुआ है, तो वही डी से डी कैंसिल, 3a की वैल्यू 30, यानी a की वैल्यू आ गई 10। अब कहता है रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड इज 3:7, जो पहली वाली टर्म है और तीसरी टर्म है उसकी रेशियो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है 3:7, तो ए की जगह 10 पुट कर दो और रेशो आपको 3:7 दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 70 माइनस 7 डी, 30 प्लस 3d, तो इस 3d को 70 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 40, आ जाएगा 10, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 4। इसमें d की वैल्यू एक ही आई है, d 4 है, a 10 है, तो सीक्वेंस क्या बना, पहला सीक्वेंस था 10 माइनस डी, दूसरा है a, फिर है a प्लस डी, तो 10 माइनस 4 6, 10 और 14, तो ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर कहता है द इनकम ऑफ ए पर्सन इज रुपीज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड रिसीव एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 10,000 टू इज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स, अगले 19 साल तक इसी तरह से उसका इंक्रीमेंट होता रहता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख, हर बार इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 10,000 का, और कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 इयर्स, इन 20 सालों के अंदर
पहले एक साल का दिया, फिर आगे 19 साल तक बढ़ता रहता है, इन टोटल 20 साल हो गए। इन 20 सालों के अंदर उसका टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो गया, तो टोटल पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको सम का फार्मूला लगाना है। एन आपको 20 दे दिया, तो सब कुछ आपको दिया हुआ है। एस एन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो फर्स्ट फार्मूला लगा कर उसमें वैल्यूज डालनी है आपको। ये फार्मूला है, वैल्यू डाल दो, एन की जगह 20, ए की जगह 3 लाख, फिर 20 माइनस 1 और डी की जगह 10,000। तो यहाँ बाहर आ गया 10, इधर से आ गया 6 लाख, इधर से आएगा 19 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,90,000 ही आ गया। तो 6 लाख ये था, 1,19,000 ये आ गया, नहीं 7,90,000 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 79 लाख। तो टोटल पैसा उसके पास इन 20 सालों के अंदर इकट्ठा हो गया 79 लाख। क्वेश्चन नंबर 29th में कहता है, पर्सन वॉज ड्रॉइंग ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 25,000। एक आदमी जो है हर मंथ 25,000 की सैलरी ले रहा है इन 11 ईयर ऑफ सर्विस एंड ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 29,000 इन द 19th ईयर, और 19वें साल में उसकी सैलरी इतनी हो गई। गिवन दैट पेंशन इज हाफ द सैलरी एट रिटायरमेंट टाइम, रिटायरमेंट के टाइम पर उसको जो पेंशन है, जो उसकी सैलरी है ना, उसकी हाफ उसको पेंशन मिलती है। तो फाइंड इज मंथली पेंशन इफ़ ही हैड पुट इन 25 ईयर ऑफ सर्विस बिफोर रिटायरमेंट। अगर उसने रिटायरमेंट से पहले 25 साल तक सर्विस करी तो उसको आपकी पेंशन, आपकी पेंशन नहीं, उसकी पेंशन कितनी मिल रही है उसे बतानी है। एज्यूम दैट एनुअल इंक्रीमेंट इज कॉन्स्टेंट, और ये मान के हम चल रहे हैं कि हर साल जो इंक्रीमेंट है उसका एक जैसा रहता है। तो अब उसने बताया कि भाई जो मंथली सैलरी है उसकी, उसने 11वें साल में मंथली सैलरी ली 25,000, यानी A11 25,000 है, और 19वें साल में उसने सैलरी ली 29,000। तो अब यहाँ से दो इक्वेशन बना दो, A+10D, यहाँ से आ जाएगा A+18D, ये कैंसिल, यह आ जाएगा -8, दिस आ जाएगा -4,000। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी डी आ गया आपके पास 4,000, यानी 8×5=40, तो डी आ गया 500, यानी हर बार उसका जो इंक्रीमेंट है वो 500 रुपये होता रहा। अब उसने 25 साल तक सर्विस करी, 25 साल सर्विस करी तो उसने जो 25th सैलरी उसने उठाई वो कितनी थी, पहले ए और निकाल लो, डी की वैल्यू 500 थी, इसको यहाँ पर पुट करेंगे फर्स्ट में, तो पहले फर्स्ट से हम उसकी वो निकाल लेते हैं सैलरी, फ्रॉम फर्स्ट A+10D इक्वल्स टू 25,000। तो ये आ गया कितना, ये 500 है, तो 5,000 ये 5,000 के माइनस कर दो तो A आ गया 20,000, यानी उसकी पहली सैलरी थी 20,000, और अब उसने 25 साल तक सर्विस करी तो जो 25वें साल पे उसने पेंशन सैलरी उठाई वो कितनी थी, A+24D, ए की वैल्यू 20,000 है, डी 500 है, तो 20,000 और 24×5=120, 12,000 ही आ गया, तो 20 और 12 यानी 32,000 सैलरी उसकी 25वें साल में थी। अब जो पेंशन उसकी मिल रही है ना, कितनी मिल रही है, पेंशन इज हाफ द सैलरी एट रिटायरमेंट टाइम, रिटायरमेंट टाइम पर उसकी सैलरी कितनी थी, 32,000 थी, तो पेंशन कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, तो पेंशन कितनी हुई उसकी 16,000। और तो कुछ नहीं पूछा, बस पेंशन पूछा था, तो वो आ गया हमारे पास 16,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि मैन सेव्ड रुपीज़ 66,000 इन 20 ईयर्स, एक आदमी ने 20 साल के अंदर इतने पैसे बचाए, यानी सेविंग करी, इन ईच ईयर सक्सीडिंग ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड रुपीज़ 200 देन व्हाट ही सेव्ड इन द प्रीवियस ईयर। अब वो क्या कर रहा था कि वो जितनी इनकम, जितनी सेविंग वो एक बार कर रहा था, अगली बार उससे 200 रुपये ज़्यादा कर रहा था, यानी सीधा सीधा डी आपका 200 मिल रहा है,
हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में उसने कितना सेव किया, यानी ए आपको बताना है। तो अब उसने आपको ये बताया था कि 20 साल के अंदर 66,000 रुपये उसने सेव करे, यानी एन की वैल्यू 20 है और 66,000 रुपये उसने सेव करे, यानी एस एन आपको दे रखा है 66,000। तो अब एस एन दे रखा है तो एस एन का फार्मूला यूज़ कर लो, यही वाला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ए एन तो है नहीं। अब एस एन 66,000 है, एन आपको फाइंड, एन 20 दिया हुआ है, फाइंड नहीं करना। ए फाइंड करना है 20-1 इंटू में डी, डी है 200, इससे कैंसिल हो गया 10, 10 को इधर ले आओ, इधर से आ गया 2A प्लस में 19 को इससे करेंगे, 19 2 जा 38, 6600 और 3800 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा इधर आगे, सिक्सटीन माइनस एट 2800 आ गया। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, इसका हाफ कर देंगे, यानी 1400 आ गया। तो आंसर आ गया आपका 1400, यानी जो पहले वाली जो सेविंग थी उसकी वो थी रुपीज़ 1400। अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जिसमें रुपीज़ वगैरह है, आंसर में रुपीज़ ज़रूर लगा देना लास्ट में, मैं अगर नहीं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत लगाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मैन एक्सेप्ट ए पोजिशन विद एन इनिशियल सैलरी ऑफ रुपीज़ दिस, इट इज़ अंडरस्टूड दैट ही विल रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ रुपीज़ दिस एंड ईच मंथ देर आफ्टर फाइंड इज सैलरी फॉर द 10th मंथ एंड वट इज़ टोटल अर्निंग। ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये कह रहा है कि भाई इनिशियल सैलरी इतनी है, तो ये आपका ए आ गया, और डी कितना है आपके पास, 320 है। हर बार इतनी सैलरी बढ़ती जाती है, तो आपको बताना है कि 10th मंथ में कितनी सैलरी है, ए 10 निकालना है, और वट इज़ टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, एक साल के अंदर कितनी अर्निंग होगी, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो एस 12 निकालना है। तो ये दोनों के फार्मूले लगाकर आप डायरेक्टली वैल्यू डाल देना और आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 पर कहता है कि एक पर्सन बायज एवरी ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाय रुपीज़ 5000। एक आदमी जो है वो NSE सर्टिफिकेट खरीदता है, तो जितने सर्टिफिकेट उसने पिछले साल खरीदा था ना, उससे 5000 रुपये ज़्यादा का खरीदता है, यानी हर साल ऐसे ही कर रहा है वो। तो डी की वैल्यू आपके पास मिल गई सीधी सीधी 5000। आफ्टर 10 ईयर ही फाइंड दैट द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इज रुपीज़ 2,75,000। 10 साल के बाद उसको लगा कि उसने जो परचेज किया है ना अब तक, उन सबकी फेस वैल्यू है 2,75,000 सबकी, यानी टोटल 2,75,000 हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल उसने जो सर्टिफिकेट खरीदा था उसकी वैल्यू क्या थी। फेस वैल्यू होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है, जो आप सर्टिफिकेट खरीदते हैं ना कि 10,000 का है, 20,000 का है, तो वो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। तो अब यहाँ पर एस एन आपको दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन का फार्मूला लगाओ यार, ए की वैल्यू निकाल दो। आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से कर लोगे। जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन करा था उसमें एन निकाला था, इसमें ए निकालना है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसके अंदर कहता है कि एन एनजीओ वांट्स टू इन्वेस्ट रुपीज़ 3 लाख इन ए बॉन्ड विच पे 5% एनुअल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, 6% इंटरेस्ट सेकेंड ईयर, 7% इंटरेस्ट थर्ड ईयर एंड सो ऑन। एक एनजीओ क्या करता है, एक 3 लाख रुपए एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसे 5% का इंटरेस्ट पहले साल मिलता है, 6% का दूसरे साल, तीसरे साल 7% का, 1% बढ़ता जा रहा है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड पर ईयर इज टू बी यूटिलाइज फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर पीपल इफ द इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर 10 ईयर्स, एन आ गया 10, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई एनजीओ, यानी SN निकालना है। तो आपके पास जो पहली टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 15,000 रुपये पहले साल मिल गए। दूसरी बार कितना हो रहा है, 3 लाख के ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 18,000 रुपये मिल गए। तीसरी बार कितना हो रहा है, तीसरी की ज़रूरत है नहीं वैसे निकालने की, चलो निकाल देते हैं, इस पर 7% का आ रहा है, तो 21,000 ही आ रहा है।
तो हर साल 3,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी डी आपका आ गया 3,000। 10 साल तक वो ऐसे ही करते हैं तो टोटल कितना इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है, तो इंटरेस्ट का टोटल करना है बस, पैसे का टोटल नहीं करना। तो इंटरेस्ट का टोटल मतलब ये आपका ए हो गया, ये डी हो गया, एन 10 हो गया, एस एन का फार्मूला लगा दो, फार्मूला यही वाला लगाना है, और टोटल वैल्यू निकालनी है तो एन की जगह 10 है, ए की जगह 15,000 है, एन की जगह 10 माइनस 1 इंटू में डी, डी कितना है 3,000, यहाँ से कट गया ये 5 आ गया, 30,000, 9 आएगा, 9 3 27, तो 27 और 30 57 आ गया, 57 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,85,000, ये आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि कुमार बाइज ए मारुति कार फॉर रुपीज़ 2,40,000। मारुति कार कुमार इतने की खरीद है, ठीक है, आजकल तो इतने की मिलती नहीं है, क्वेश्चन लगता है पुराना है, ठीक है, 2,40,000 की मारुति कार है। अब वो कह रहा है कि डाउन पेमेंट वो दे रहा है 1,20,000, डाउन पेमेंट मतलब स्टार्टिंग में इसने इतनी पेमेंट कर दी, तो 2,40,000 में से 2,40,000 में से उसने 1,20,000 दे दिया, तो 1,20,000 बच गया। अब इस 1,20,000 के लिए वो क्या करता है, बाकी का अमाउंट वो एनुअल इंस्टॉलमेंट में देता है, 10,000 रुपये प्लस 12% इंटरेस्ट, यानी हर बार 10,000 रुपये दे रहा है, साथ में 12% इंटरेस्ट दे रहा है किसका, ऑन द अनपेड अमाउंट। तो इवेंचुअली व्हाट विल द कार कॉस्ट हिम, तो अब 1,20,000 को अगर हम 10,000 की इंस्टॉलमेंट बनाएं तो टोटल इंस्टॉलमेंट बनेंगी 12, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी बना रहा है, वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो टोटल अमाउंट है वो 1,20,000 का है और हर बार वो 10,000 रुपये दे रहा है, तो यानी 12 इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है। लेकिन जब ये इंस्टॉलमेंट देगा तो 10,000 तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में जो अनपेड अमाउंट है वो उस पे ऊपर 12% का इंटरेस्ट भी होगा। तो जो पहली हमारी किस्त बनेगी या दूसरी किस्त बनेगी, तीन बना लेते हैं ताकि हमारी कोई एपी यहाँ पर बन जाए। तो पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की दे रहा है, दूसरी भी 10,000 की दे रहा है, तीसरी भी 10,000 की दे रहा है, लेकिन इसके साथ में जो अनपेड अमाउंट है उस पर 12% का इंटरेस्ट भी लगाकर दे रहा है। तो जब पहली किस्त होगी तो अनपेड अमाउंट ये है 1,20,000, तो इसका 12% निकाल देंगे, बारह बारह 144 यानी 14,400 इधर आ गया, 10 ये आ गया, यानी 24,400 रुपीज़ ये पहली इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है। दूसरी इंस्टॉलमेंट देने के लिए अब क्या कर रहा है, उसने 10,000 तो दे दिया ना, अब 1,10,000 बचा, तो 1,10,000 के ऊपर 12% का इंटरेस्ट बनेगा, ये बनेगा 13,200, 13,200 में इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23,200, फिर 1,10,000 से अब 1,00,000 रह गया, इस पर 12% का इंटरेस्ट, तो ये 12,000, 12 और 10 22,000, तो इस तरह से आपके पास ये सारी नहीं निकालनी, ठीक है, सारी निकालनी नहीं है, सारी एपी बना दी हमने, एपी बना दी, अब ये देख लो कि डी कितना आ रहा है। अब यहाँ पर इसमें से इसको आप कम माइनस करोगे तो डी निकल जाएगा, 23,200 में से आप 24,400 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0,012,000 रुपये हर बार कम होते जा रहे हैं इंटरेस्ट के, ठीक है, तो 1,200 रुपये कम आ रहे, ये डी आ गया, ये आपके पास ए आ गया, तो इस तरह मिलाकर उसने 10 महीने तक यानी 12 जो इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है उसमें वो टोटल कितना अमाउंट दे रहा है, तो हम S12 निकाल लेते हैं, तो फार्मूला N/2 2A प्लस में N-D, डी कितना है माइनस 1200, तो ये आ गया आपके पास 6 11 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,200 माइनस करेंगे इसमें से, छः से इसको मल्टीप्लाई, यानी 2,13,600 रुपये अब वो यहाँ पर दे रहा है, और 1,20,000 वो ऑलरेडी दे चुका है एज ए डाउन पेमेंट, तो जो उसको कार की कॉस्ट पड़ रही है टोटल
120,000 तो उसने ऑलरेडी दे दिया है और अब इंस्टॉलमेंट में वो दे रहा है 213,600 रुपये। तो ये बन गया कितना, 003333,333,333,333 की उसको कार पड़ रही है, जो कार 240,000 की थी वो इंस्टॉलमेंट की वजह से उसको 333,600 की पड़ रही है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज थी हमारी 6.2 वो कंप्लीट हो गई है, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी। तो फिर भी मैंने कोशिश करी कि आपको लगभग सभी टाइप के मैं क्वेश्चंस करा सकूं, तो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए इसमें से आपको समझाएं, उनको एक बार करके देखना, करने के बाद अगर लगता है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा आपके वो डाउट भी आपके मैं सॉल्व कर सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।